गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट एंट्री डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए बैलेंसेस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस है सुदीप दास गुप्ता का, बनाना आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाते हैं उसी डेट को बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट देगा, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी का लिस्ट तैयार कर देंगे। सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम है, परचेज ट्रेडिंग का आइटम है, सेल्स ट्रेडिंग का आइटम है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ये पांचों ट्रेडिंग का आइटम हो गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, गैस एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, सैलरी वेजेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डेटर एसेट होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटी होगा। मशीनरी आपका एसेट्स होगा, मोटर व्हीकल एसेट्स होगा। ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस किया जाएगा। कैरेज ऑन परचेज कैरेज इनवर्ड को बोलते हैं, ट्रेडिंग का आइटम है। कैरेज ऑन सेल कैरेज आउटवर्ड को बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। रेंट एंड रेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रिंटिंग स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोविजन फॉर बैड डेट इनकम होता है, क्रेडिट में दिया हुआ है, ट्रायल के अंदर है, इनकम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बाय में जाएगा। कैपिटल लाइबिलिटी है, कैश इन हैंड एसेट्स है, कैश एट बैंक एसेट्स है। ये हो गया ट्रायल बैलेंस का प्रॉपर ईच एंड एवरी आइटम के बगल में बता दिए कौन सा आइटम फाइनल अकाउंट में कहां के लिए है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का बाई में जाता है और साथ में एसेट्स होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का दो काम कंपलसरी करना ही है। इलेक्ट्रिक बिल 500 रुपया का आउटस्टैंडिंग था तो इलेक्ट्रिक बिल पहले प्लस किया जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज में, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी होगा। सैलरी एंड वेजेज भी ओइंग बोला है, ओइंग माने आउटस्टैंडिंग होता है, सैलरी वेजेज में ये भी प्लस होगा एंड देन लायबिलिटी होगा। डेटर में से 1600 रुपया बैड डेट हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेटर से माइनस किया जाएगा। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का भी सेम का प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट का भी सेम वर्क होता है, डेटर से माइनस होगा अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यहां देखिए एक क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मतलब प्रीपेड होता है, अब प्रीपेड है तो माइनस होगा, अब माइनस होने के बाद एसेट्स बन जाएगा। तो ये हो गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को देखते हैं, ट्रायल बैलेंस में देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 6000, उसका 1/4 बोला है, 1/4 होता है 1500 रुपया, प्रीपेड माना जाएगा और एसेट्स होगा। ये जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसका मिनिमम दो इफेक्ट ही होता है, या तो प्लस या माइनस, और फिर एसेट्स नहीं तो लायबिलिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ श्री सुदीप दास गुप्ता, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम आपका होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया था 6000। यहां पे दूसरा आइटम आता है आपका परचेज। अब परचेज से जो माइनस होता है वो परचेज रिटर्न, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। परचेज का अमाउंट था 1,36,000, डेबिट बैलेंस, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस होता है 4000। ये हो गया 1,32,000। बाई में पहला आइटम आता है सेल्स, इससे माइनस होता है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स का अमाउंट था 1,70,000, क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस 2000। ये हो गया 1,68,000। बाई में क्लोजिंग स्टॉक आता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट था आपका 16,000। डेबिट में एक दो एक्सपेंस आ सकता है, जैसे गैस एंड फ्यूल 3000, टू गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग का एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है 3000। टू कैरेज ऑन परचेज 1200 रुपया, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है।
कैरेज ऑन परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट का टू में एक्सपेंसेस ले लिए, अब हम यहां से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, क्रेडिट वाला प्लस कर देंगे, क्रेडिट वाला प्लस करने से आपका हो जाएगा 184,000। यहां लाएंगे 184,000, माइनस करना है, ये आपका आया 800। दैट इज 42,800 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बना देंगे 42,800। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अभी बढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आएगा। एडवर्टीजमेंट ये 6,000 दिया हुआ था, इसमें से कैरी फॉरवर्ड था, माइनस होगा कैरी फॉरवर्ड 1/4 1/4 1500। एडवर्टीजमेंट आपका रह गया 4,500। इलेक्ट्रिसिटी आएगा 1500, इलेक्ट्रिसिटी में भी एडजस्टमेंट था, 1500 रुपया आया, उसमें 500 रुपया लास्ट का बिल बाकी था आउटस्टैंडिंग, 500 आपका हो गया 2000। इसके बाद सैलरी एंड वेजेज 15,600 है। टू सैलरी एंड वेजेज 15,600 है, इसमें भी आउटस्टैंडिंग बोला हुआ है, इसका आउटस्टैंडिंग आपका 2,400 है, ये आपका हो गया 18,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस को लिख रहे हैं, कैरेज ऑन सेल 1,800, कैरेज ऑन सेल कैरेज आउटवर्ड हुआ 1,800, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 5,600, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 5,600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,240, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,240। ट्रायल के अंदर में प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इनकम होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट्स इनकम होता है 1,000 रुपया। ओके, ऐसे करके ट्रायल का आइटम लिख दिए, इलेक्ट्रिसिटी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, बैड डेट है, फर्दर बैड डेट 1600 बोला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टू बैड डेट है 1600। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला हुआ है आपका 5%, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर देखना होगा, डेटर में से फर्दर बैड डेट का पैसा माइनस करके 31,600 से 1600 माइनस करने के बाद आपका 5% दैट इज 1,500 रुपया होगा। कोई डेप्रिसिएशन वगैरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं है, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। लाते हैं टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, अपना क्रेडिट साइड पहले प्लस कर लेंगे, डेबिट में ला के माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये हो गया आपका 43,800, 43,800। आपका नेट प्रॉफिट आ गया 6,560, क्रेडिट प्लस करके डेबिट माइनस कर दिए, ये हो गया नेट प्रॉफिट। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा। ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। कैपिटल देखते हैं 60,000 है,
कैपिटल आपका 60,000 है, इसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का अमाउंट था 6560, ये हो गया 66560, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा ड्रॉइंग्स, आपका ड्रॉइंग्स का अमाउंट था 7000, ये हो गया आपका 59560। इधर लायबिलिटी और इस साइड में एसेट्स को लिख देंगे। लायबिलिटी में आपका सन्ड्री क्रेडिटर है 25,000, सन्ड्री क्रेडिटर आपका 25,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में एक इलेक्ट्रिसिटी था, इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट आपका था 500 रुपया, सैलरी वेजेस 2400, ये हो गया आपका 2900। इधर आते हैं एसेट्स में लिखते हैं, मशीनरी था आपका 20,000, मोटर व्हीकल 8,000, कोई डेप्रिसिएशन नहीं था, मोटर व्हीकल 8,000, मशीनरी 20,000। इसके अलावा आपका क्लोजिंग स्टॉक 16,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 16,000, डेटर 31,600 था, इसमें से पहले बैड डेट माइनस होगा 1600, 30,000 बचेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला हुआ था 5%, 1500 आया 28,500। क्लियर है। इसके अलावा आपका बैंक था 12,000, कैश एट बैंक 12,000 था, कैश इन हैंड 460 था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडवर्टीजमेंट कैरी फॉरवर्ड था, एडवर्टीजमेंट कैरी फॉरवर्ड एसेट्स होता है, प्रीपेड बोलते हैं इसको, 1/4 1500 था। बोथ साइड टोटल करेंगे, टोटल मिल गया, समझिए सही बना है, ये हो गया आपका 460, एक हजार का मिस्टेक है, खोजते हैं, ठीक है। ये जो मिस्टेक है ट्रेडिंग अकाउंट से कंटिन्यू हो रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका 41,800 होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 41,800 होगा, 41,800 के बाद आपका नेट प्रॉफिट ये 5560 होगा, और ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में आएगा तो 5560 बन जाएगा, ये 65 होगा, ये 58 होगा, और टोटल आपका 86440 होगा। तो मिस्टेक कहीं भी हो सकता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में, इस बार मिस्टेक वो ग्रॉस प्रॉफिट में था, तो ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हुआ तो नेट प्रॉफिट चेंज हुआ, नेट प्रॉफिट से कैपिटल एंड देन टोटल मैच कर गया। कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली कीजिए, मिस्टेक का पॉसिबिलिटी को इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।